दो दिन पहले तक जो आदमी 13 तारीख के वोट से ज्यादा वोट करे, जो इसके खिलाफ वीडियो डाले, वो काम ना होगा तो वो करेगा जो शामिल हो, जो काम सरकार अपना दी गई वो काम तो वो करेगा। अभी तो सर आपने ये बोला भाई सहयोग सभी का चाहिए, सभी संगठनों का चाहिए, सहयोग सबका चाहिए लेकिन ईमानदारी के साथ सहयोग चाहिए, जो दोनों मोर्चे के दोनों घोड़ों की दोनों शक्त मानेगा। अब कोई बात कहेगा अगर भाई मैंने वो जो मेरे उत्तराखंड बाद पहला 13 तारीख के आंदोलन का वो मेरी गलती होगी, जो वीडियो गेट करो करे थे ना, जो वीडियो गेट का पूरे हरियाणा पंजाब तो माफी मांग रहे किस तरीके से आप आ रहे हैं, ये देखो नारे लगाते हुए अभी मनु कुहार जो आगे आगे हैं, ये देखो पीछे कितनी जनसंख्या है, ये देखो। दोस्तों खनौरी वाला बॉर्डर है, कोशिश की जा रही है इसको तोड़ा जाए लेकिन आंसू गैस के गोले हैं जो बाधा बन रहे हैं, आंखों में जो जलन है वो पैदा करते हैं, गले में खराश करते हैं और आंखों में इस प्रकार से जो है किसान आगे बढ़ते हैं वापिस चले आते हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप खनौरी बोर्ड से देख रहे हैं। तो भाई जैसा आगे नहीं बढ़ा जा रहा था तो किसानों ने नई तकनीकी सोची है कि जो ट्रैक्टर ट्रैली है उसको बैक करके लेके जाए ताकि जल्दी सी उसका कवर बन सके, जो लोग आदमी जा रहे हैं उनके साथ में उनका कवर हो सके और जल्दी सी जो बैरिगेट है वहां पर पहुंचकर बैरिगेट को हटाने की कोशिश की जा सके। तो ऐसे में बैरिगेट में कितनी जल्दी पहुंचते हैं ट्रैक्टर उल्टा करके, जो उल्टा करके ये नई स्कीम ये सोच रहे हैं किसान कि उल्टा करके ट्रैक्टर लेके जाएंगे और साथ में जो किसान है वो कवर किए जाएंगे। तो ऐसे में देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं खनौरी बॉर्डर से। और देखो भाई एक सरदार जी जो ऊपर चढ़े हुए हैं उन्होंने अपने चेहरे को बिल्कुल ढक लिया है गीले कपड़े से और कोशिश की जाएगी वहां पर पहुंचकर उस बैरिकेड को तोड़ा जाए और ये नए नए तरीके से सोच की जा रही है बैरिकेड तोड़ने की। तो क्या वहां पर बैरिकेड तोड़ने में कामयाब हो गए जो किसान है, ये देखो। सभी दर्शकों का नमस्कार, जो ये देख सकते हैं खनौरी जो बॉर्डर है यहाँ पर जो किसान है पंजाब के अब हरियाणा के भी आने शुरू हो चुके हैं, ये देखो ये हरियाणा के जो किसान है किस तरीके से आ रहे हैं, ये देखो नारे लगाते हुए अभिमन्यु कुहाड़ जो आगे आगे है, ये देखो और पीछे कितनी जनसंख्या है, ये देखो भाई अभिमन्यु कुहाड़ जो किसान संगठन लगातार हरियाणा की तरफ से आवाज उठाता आ रहा है वो अब पहुंच गया है पंजाब के किसानों के पास और एक बड़े जत्थे के साथ। ये देखो अभिमन्यु जी क्या कुछ कहना है तो कल 13 तारीख की एक बात आप स्पष्ट कर दें, आप उस साइड गए थे और हमारे हरियाणा के बहुत सारे नौजवान वहाँ इकट्ठे थे, बिल्कुल पुलिस कई बार वाला की चार्ज कर चुकी थी, तो हम अपने भाइयों से बात करने गए थे, उनको हमने समझाया, उनसे हमने बातचीत करी कि भाई आंदोलन एकजुटता में ही जीता जा सकता है, आंदोलन बेशक लंबा चल जाए लेकिन सरकार घुटनों के बल आने वाली है, तो आप देखो पीछे तक की गोंडी भरी हुई आ रही है। हरियाणा के नौजवान से वो हमारे भाई हैं सारे, आपा भी हरियाणा के हैं, पंजाब और हरियाणा तो नहरा नहरा होया ही नहीं, तो आप उन सबको ये समझा के आए हैं कि अपनी ताकत एकजुटता में है, अगर आप खिंडे खिंडे रह गए तो आप मोर्चा हार जाएंगे, अगर हिंसा होगी आप मोर्चा हार जाएंगे। कुछ लोग इसे हैं जो सरकार के लिए मिले उड़ हुए हैं और जो लोगों ने उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सुबह भी अड़े एक आदमी पकड़ा था इसे अच्छा। जो पंजाब पुलिस को सौंपा, तो अपने सारे भाइयों से विनती करके सब ने उन्हें बुला लिया हरियाणा जितने भी थे और सब ने यह बात कही है, आप हर तभी बात कहेंगे कि आप मोर्चा हरियाणा पंजाब इकट्ठा लड़ेगा, आप खिंड खिंड के मोर्चा को न लावे, शंभू बॉर्डर पर भी इकट्ठा मोर्चा लग रहा है, याड़ा भी इकट्ठा मोर्चा लग रहा है, अब आप देख लो एक बार पीछे तक हजारों की संख्या में हरियाणा के नौजवान पहले यहाँ से भी गए थे और नए नौजवान आए भी हैं। तो जो कुछ भाई जो सरकारी और दरबारी आदमी नहीं हुआ है ना, अगर हरियाणा को न्या
भाई देख लो, चार किले तक भरे चल रहे हैं गोरमे के। यो हरियाणा है, हरियाणा तो आज तक किसी आंदोलन में पीछे नहीं रहा था, आज चुप रह जाएगा। हरियाणा वाले सारे भाइयों को बातचीत करके, विचार चर्चा करके, उनकी राय मशवरा लेकर सब ने लेकर आए हरियाणा आपस हारी। अभी थोड़ी देर पहले जो नरवाना पर धरना दे रहे जो किसान है वो यहाँ पर आए थे, उनका विरोध किया गया अभी थोड़ी देर पहले, और साथ में मीटिंग भी चल रही है, क्या सभी का समर्थन लिया जाएगा? देखो कौन आए थे आप नाम बताओ। ये मस्टेबल बीरो सिक्किम और आई है जी आजाद पालुआ भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। सुन लो मेरी बात, सुन लो बात। दो दिन पहले तक जो आदमी 13 तारीख के मोर्चे का विरोध कर रहे थे, जो इसके खिलाफ वीडियो डाल रहे थे, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को ये कह रहे थे कि आंदोलन में शामिल मत हो, जो काम सरकार को करना चाहिए असल में वो काम तो वो कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से इन सारे भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जो इस मोर्चे का विरोध कर रहे थे, जो इस मोर्चे की जड़ें काटने का प्रयास कर रहे थे, जो मोर्चे ने कमजोर करके सरकार को मजबूत करने का काम कर रहे थे, क्या उनको मोर्चे पानी की इजाजत होनी चाहिए आज के दिन? अभी तो सर आपने ये बोला भाई सहयोग सभी का चाहिए, सभी संगठनों का चाहिए। सुन लो मेरी बात, सहयोग सबका चाहिए लेकिन ईमानदारी के साथ सहयोग चाहिए। जो दोनों मोर्चे के दोनों फोरम की जो दोनों शर्त मानने का, और जो यह बात कहेगा अग भाई मैंने वो जो विरोध किया 4-5 दिन पहले 13 तारीख के आंदोलन का, वह मेरी गलती होगी। जो अगर वीडियो गेर का विरोध करे थे ना, न्यू वीडियो गेर का पूरे हरियाणा पंजाब तक माफी मांग ले, उसके बाद आप आन पे विचार कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। हाँ बोर्ड तोड़ने के लिए क्या सर क्या इंतजाम किए गए? सब इंतजाम है दोनों फोरमों की, दोनों जगह मीटिंग होकर जब फैसला लिया जाओ।